सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडा संदीप सिंह विक्की। अजनाले तो एक 9 साल के बच्चे की मौत की खबर आ रही है, लेकिन इस मौत का कारण दसया जा रहा है भी गलत टीका लगाया गया। गलत टीका एक मेडिकल स्टोर वालों लगाया गया, यह इल्जाम लाया वो परिवार वाल ने। परिवार वाल ने गुस्से आके अजनाला चौंक में जाम लगा दिता। उस तो बाद पुलिस आके उत्थे उन्होंने समझा बुझा के धरना चुकाया गया। लेकिन पुलिस नाल जो इस संबंधी असी गल की भी उन्होंने दसिया कि इस मेडिकल स्टोर वाले ते कार्रवाई जरूर की जाएगी, पर पहला ये तो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा सिविल होस्पिटल दे विच, फिर पता लगेगा भी कारण की सी। कारणा की जाँच तो बाद मेडिकल स्टोर ते कार्रवाई होएगी। परिवार वालों संतुष्ट करने लई समझा बुझा के उन्हां दा धरना चुका दिता गया। इस संबंधी जो असी मेडिकल स्टोर वाले ने गल करने की कोशिश की, पर उन्होंने साडा फोन चुकना मुनासिब नहीं समझिया। इस घटना तो एक बड़ी होर सवाल पैदा होंदे ने भी लोग मेडिकल स्टोर ते जो दवाई लैन जाते हैं वो एक कारण की है भी वो बहुत अथेंटिकल मनिया जाता है भी डॉक्टर जेड़े इस टाइम अपनी जिम्मेवारियां तो भज रहे ने। जो कोई मरीज उन्हां कोल ब्लड प्रैशर भी चैक करा जाता है तो उसका ब्लड प्रैशर नहीं चैक करते, पर इस दे उल्ट की है भी ये सारिया सेवावां लॉकडाउन के दरम्यान कह लो या किस तरह भी कह लो मेडिकल स्टोर वाले वालों 100% सेवावां दित्तियां गईयां है लोगों नू, मरीजा नू किसी तरह की हर तरह की दवाई मुहैया कराई गई। जेड़े काम डॉक्टर ने नहीं किए वो मेडिकल स्टोर ने किए ने, पर एक इस तरह की घटना जी मेडिकल स्टोर वाले तो सारा सवालिया निशान लगा देंदी है। उस परिवार वाल ने पुरजोर मंग की है भी इस स्टोर वाले तो कार्रवाई होनी चाहिए है। साडा विशा ये नहीं है भी कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, पर नाल दी नाल साडा प्रेशन उन्हां मेडिकल स्टोरां दे नाल नाल डॉक्टरां दे भी है भी डॉक्टर अपने जिम्मेवारियां तो अगर ना भजन तो लोग मेडिकल स्टोरां तक पहुँच करे नहीं ना। मेडिकल स्टोरां दा काम है भी डॉक्टर दी लिखी हुई पर्ची ते दवाई देनी, पर अज दी डेट च तुसीं देख लो कोई भी डॉक्टर जिहड़ा 500 फीस भी लै रहा है तो मरीज नूं 5 फुट दूर बहा के सर्विस दे रहा है, उन्होंने कोई चैक नहीं करता, उन्होंने कुछ नहीं करता, इसलिए लोग मेडिकल स्टोर पर भी जाने लिए मजबूर ने। पर मेडिकल स्टोर वाले का भी फर्ज बनता है कि बिना किसी देखे बिना किसी समझे इंजैक्शन ला देना, लेकिन वो कारणों की जाँच होनी जरूरी है भी मौत का कारण की सी, वो एक इंजैक्शन से या कोई होर कारण से या कोई रिएक्शन सी। आओ देखते हैं अजनाले तो रिपोर्ट। मेरा नाम अमरजीत सिंह आ, पिंड सराय तहसील अजनाला जिला अमृतसर का रहने वाला। मैं अपने बच्चे दवाई लैन आया मेडिकल स्टोर सरपाल मेडिकल स्टोर तो, वो कहन लगे भी मैं भी दवाई दो बच्चे नूं खारस दी, कहन लगे भी टीका ला देने। मैं चल टीका ला दो, टीका लाता तो 2-3 दिन बाद टीका वेखा तो टीका भर गया। तो फिर मैं आया कल इन्हां को, कल फिर इन्होंने खारस अपना दवाई दिती, पता नहीं कि गोली दिती आ, तो कुछ टूब दे दी मलन भी आ टीके तो मल ही ठीक हो जाना। वो 10 मिनट बाद गोली देने दे, 10 मिनट बाद मुंडा जिहड़ा मेरा हाथ पैर एवं हिलाई जाता है, निमो झाणा हो गया डिगन डह पिया। तो बाद मैं सोचा भी होर किसी नूं क्यों ना विखावा, फिर मैं अमनदीप नूं विखाया बस स्टैंड के कोल जिहड़ा, वो कहन लगा भी इन्फेक्शन हो गई है इहनूं अमृतसर लै जा। फिर मैं इन्हू अमृतसर लै गया वा, अमृतसर जाते रस्ते के बच्चे ही दम निकल गए। वे धरना क्यों लाया? धरना इस करके लाया भी साढ़े बच्चे इंसाफ मिले। ये जेडे मेडिकल स्टोर वाले नजायज ही टीके आ देंगे ला लो, पता नहीं टीका लाने का तो ना लाने, सानू इंसाफ मिलना चाहिए वा। जो भी कार्रवाई इन्हें बनती होनी चाहिए है। साडा बच्चा मेरा मुंडा है खारश की दवाई लैना, इन्हें टीका ला दिता तो उस वेले मुंडा लट बनाना हो गया वा। बाद चो फिर दवाई लैन आए, फिर गोली दिती एक, वो फर्क ही फिर पिया, मुंडा ठीक होया ही नहीं। बाद चो शहर ला के आई, उतो जवाब मिल गया। मुंडे ने जिन्ना मारिया साफ होना चाहिए वा। बच्चा ठीक नहीं, इन्हू खारसी की प्रॉब्लम ही थोड़ी जी, तो सतपाल मेडिकल वाले को लिया रखेस को भी टूब दे दी, उन्हें टीका लाता, टीका जरा इंजैक्शन कर गया, सारा शरीर जरा बेकार हो गया। बाद लियाए फिर कल लिया, कल भी दवाई देती है, दवाई खाद सारी मुंडा कमन डह पाया। तो इन्हें जवाब देता हाँ मेरे बस की गल नहीं है, अमृतसर ला जाओ। जनता अस्पताल खड़िया, हेरी जाना पूरा हो गया, हेरी गांह गया ही नहीं, अस्पताल गया ही नहीं गा।
तो अभी यदि मंग रखी आ भी मतलब इन्हों 302 लगनी चाहिए आ इन्हों का जोड़ा मैडिकल वह भी सील होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अथॉरिटी नहीं है टीका लाने की ये तो सिर्फ दवाई दे सकते इलाज करने इन्हों को लसेंस नहीं है जो अगर लगनी चाहिए आ ये बच्चा 9 साल का बच्चा जिन्होंने टीका ला के ना मारिया तो अज वेखो साढ़े बच्चे ना ये गल किसी ना भी हो सकती है तो अज वेखो साडा बच्चा सड़क से लाश पई आ ही रोन रहे हैं वो दुकाना खोल के दवाइया बेच रहे हैं उन्हें तो फर्ज बनता ही अज चल उन्होंने को टीका लगा बंदा अच्छा बच्चा मरिया अज की दहाड़ी तो बंद कर देते अज भी उन्होंने दुकान नहीं बंद की ये काम किया कि साडा बच्चा मरिया तो यही इसे रोन रहे अस्पतालों फिर रहे हैं लाशा लेके रोड कल घूम रहे तो ये दवाइया बेच रहे हैं साडा बच्चा बीमार है थोड़ा खारिश करके दवाई लैन आया रसपाल मैडिकल स्टोर तो उन्हें दवाई देने की बजाय आख्या भी मैं टीका ला दिना उन्हें टीका लाता है टीका रक्षण कर गया 14 तरीक न टीका लाया 2 दिन बाद फिर आए फिर दवाई देती इन्हें ट्यूब देती भी आ लो नहीं फर्क पाया फिर कल लै गया कल गोली पता नहीं इन्हें केड़ी दी तो केड़ी नहीं दी वो गोली के कारण साढ़े बच्चे की डैथ हो गई अभी इंसाफ मंगते हैं सानू इंसाफ मिलना चाहिए साढ़े बच्चे नाला थाने एक सरपाल पिंड पैंदा उतों का अमरजीत सिंह लड़का है करीब 9 साल उम्र है वो कुछ दिनों तो बीमार से उन्हें जी स्किन इनफेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी उसके करके उस सरपाल मेडिकल स्टोर तो जी मेडिसिन ले रहे थे और उस दौरान ट्रीटमेंट दौरान कोई इंजैक्शन भी उन्होंने वालों लगया गया मेडिकल स्टोर तो जोड़े भी है डॉक्टर इन्होंने कंप्लेंट की लड़की की अच्छे डैथ हो गई है इन्होंने कंप्लेंट की है कि जोड़ा मेडिकल स्टोर से डॉक्टर है इन्हें गलत इंजैक्शन लाया जिस तरह मौत हो गई है असी इन 174 की जी कार्रवाई की स्टेटमेंट लैके इन्होंने जोड़े विसरे है बॉडी के वह भेजे हुए कैमिकल एग्जामीनर चंडीगढ़ और जो भी वो रिपोर्ट आऊगी और मुताबिक अं कार्रवाई करा इन्होंने अच्छे धरना लगया कि उसके खिलाफ़ जी FIR लॉज करो बट विदाउट कैमिकल एग्जामीनर जी रिपोर्ट हैगी उस तो बगैर असी परचा दर्ज नहीं कर सकते।